नमस्कार जी, सर्वप्रथम मैं माइनर टीवी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, जो समय समय पर हमारी समस्याओं को, हमारे सुझाव को जनता तक व सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं रघु कटोच, प्रधान ग्राम पंचायत छतरी। जैसे कि आप लोगों को विदित है, पिछले कल जो हमारी नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत और सिनेमा जगत की सुपरस्टार अभिनेत्री हमारी चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हो रही थी, तो एयरपोर्ट में उनके साथ एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक CIRF की एक कांस्टेबल ने उन पर जो है हाथापाई की और थप्पड़ मारा, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरे हिमाचल को, पूरे मंडी क्षेत्र को, पूरे सांसद को शर्मसार करने वाली ये बात है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। वो तो एक सांसद है, अगर उस जगह में कोई आम आदमी होता हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं। किसी के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, उस घर से उस कुलदीप कौर को जो कांस्टेबल है, उसको कोई संस्कार नहीं मिले। उसने बाकी को छोड़ो, जो सरदार और सिख समुदाय है, जो वो कौम है, उसको भी उन्होंने शर्मसार किया कि भाई इस तरह की एक लड़की है जिसने नवनिर्वाचित सांसद पर हाथ उठाया। ये बहुत ही बद्दी और अभद्र बात हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पूरा मंडी संसदीय क्षेत्र और पूरा हिमाचल प्रदेश, इससे ना कि सिर्फ मंडी और हिमाचल शर्मसार हुआ है, इससे पूरा सांसद भी शर्मसार हुआ है। देखिए, ये बहुत गलत बात है। इसका कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। वो जो है हमारी कंगना रनौत सत्तासीन होने वाली सांसद है, परसों ही उनके अब सरकार बैठेगी, शपथ ली जाएगी, जब सांसद बनेगी। मैं चाहता हूँ, वो बहुत ही जघन्य अपराध है और बहुत ही छोटी हरकत की हुई है। और कुलविंदर कौर को ये भी पता नहीं कि भाई आपने देवभूमि हिमाचल की लड़की कंगना रनौत पे हाथ उठाया है। ये देवभूमि है, यहाँ बाकी तो बाकी पर देवी देवता भी आपको माफ नहीं करेंगे, आपका सर्वनाश होगा। हमारी भी देवी देवताओं से ये प्रार्थना है, जिन्होंने इस तरह की घटिया हरकत की है, इसका सर्वनाश होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होनी चाहिए कंगना रनौत के आगे। इस तरह का भविष्य में कोई भी, हमारा भारतवर्ष हिंदुत्व का नाम से जाना जाता है, हिंदू राष्ट्र जाना जाता है, अगर इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में होने लगे, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी कांस्टेबल जो है, जिस पर हमें भरोसा था, वही आदमी हम पर आतंक और दादागिरी करने लग जाए, तो इस देश पर, इस संविधान पर, इन सुरक्षा कर्मियों पर क्या विश्वास रहेगा। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं, पूरा हिमाचल प्रदेश घोर निंदा करता है, पूरा मंडी संसदीय क्षेत्र इस चीज की घोर निंदा करता है। और इस कुलविंदर कौर को जो है सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो इसके DG है, महानिदेशक है, सुशील दर्शन जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, भाई इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए, इसको घोर कारावास में डाला जाए आने वाले समय के लिए, ताकि सभी को सबक मिले, इस तरह की कोई इबारदात आने वाले समय में ना आए। धन्यवाद।